ऐसी डिफीट से ना फाउंडेशन थोड़ी सील जाती है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप बिल्कुल आया खड़ा है, आप घर में खेल रहे हैं अपनी फेवरेट सर्फिस पे और एक ऐसी टीम के खिलाफ जो कि पूरी भी टीम नहीं है, यानी कि ये फर्स्ट ईयर की टीम नहीं है न्यूजीलैंड की, कई तो कहते हैं ये सेकेंड ईयर की भी टीम नहीं है। चले माना T20 में किसी की भी लॉटरी निकल सकती है, मगर 24 घंटे में इस तरह से टेबल्स टर्न हो जाने, ये पाकिस्तान की रेपुटेशन को धचका लगता है। चौथे T20 लाहौर में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर सीरीज में ना सिर्फ 2-1 की बर्तरी हासिल कर लिया, बल्कि ये चीज यकीनी बना दिया कि न्यूजीलैंड अब इस मैच और इस सीरीज में हार नहीं सकते। और हम तीसरा मैच भी हार गए, 3-0 हो गए हम। जिस चीज का डर मैंने पिछले T20 में कहा था वही हुआ, हमने कुछ नहीं सीखा। यहाँ पे भी हमने टॉस जीता और हमने कहा नहीं नहीं, हम न्यूजीलैंड को पहले बारी देते हैं, जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, इत्तेफाक नहीं होगा, हम ठीक से नहीं खेलेंगे। इंटरनेशनल तर्ज की जो कप्तानी होती है वो डिफरेंट तरह से होती है। बजा दिया बाजा, पकड़ के बजा दिया। मैं बताता हूँ, पहले उन्होंने छनकना बजाया, फिर उन्होंने पकड़ के घंटा बजाया, फिर उन्होंने पकड़ के छोटे वाला घंटा बजाया, फिर उन्होंने बड़ा जो काम किया ना, उन्होंने आके बोबड़ी के अंदर जो है वो बाजा बजा दिया। पहले उनके बच्चों से हमने 170-180 रन खाए हैं, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, क्या कर रहा है बाबर आजम पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान टीम में। वेरी गुड, ये इन्होंने पाकिस्तान टीम को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। बाबर के साथ कोई भी शाहीन है, शाहीन के साथ उसका सुसर है, ये आमिर इमाद वगैरह, आप लोग आप आगे आगे देखे आपका होता गया। अगर न्यूजीलैंड ने या तो आपको यहीं पर डूब के इसी कदाफी स्टेडियम में पिच खोदे और इन सबको वहीं न्यूजीलैंड के बच्चों ने पाकिस्तान के बड़ों को एक बार फिर शर्मनाक शिकस्त दे दिया और जो दुनिया में नंबर 1 बॉलिंग अटैक था तो वो बुरी तरह एक्सपोज्ड हुआ। चंद दिन पहले PCBA के मैनेजमेंट कह रहा था कि न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ बच्चे भेजे हैं, आज उन बच्चों ने पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम को चकनाचूर कर दिया। और ये चाचा UPSL में हिटमैन बना होता है, उसने आके न्यूजीलैंड के बच्चों के खिलाफ T20 में टेस्ट मैच खेला है। पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की बुरी तरह हार पर और पाकिस्तानी बुरी तरह परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ है। आइए आप लोगों के साथ पाकिस्तानी मीडिया के शॉकिंग वीडियो शेयर करते हैं, तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक रहिए और वीडियो को लाइक करें। शर्म का मुकाम है, अब इन प्लेयर्स को शर्म आती नहीं आती, हमारे में तो शर्म है भाई, सीधी बात है। सी टीम आके आपको फेंटा लगा रही है और आपको मतलब यानी वो हाल आपका कर रही है, ऐसे लगता है कि आपकी सी टीम है और उनकी ए टीम है, ये हाल हो गया आपका। और टीम जब आज खेली, ओ जी बड़ी कोई टॉप किस्म की बॉलिंग लाइनअप खेल रही है, बड़ी कोई ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप खेल रही है, हैं ये टीम वो है जो वर्ल्ड कप में तीर मारेगी, वर्ल्ड कप में ये करेगी। शर्म लोग लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा हुआ, मैं कहता हूं इसको प्राइम मिनिस्टर भी लगाए मोहसिन नकवी को, शाबाश, वेल डन, वेरी गुड। ये इन्होंने पाकिस्तान टीम को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, बाबर के साथ कोई भी शाहीन है, शाहीन के साथ उसका सुसर है, ये आमिर इमाद वगैरह, आप लोग आप आगे आगे देखे आपका होता गया। अगर न्यूजीलैंड ने या तो आपको यहीं पर डूब के इसी कदाफी स्टेडियम में पिच खोदे और इन सबको वहीं पे लिटा के दफना दे, लानत ऐसी क्रिकेट में बेहया। फिर कहते हैं जी इनको व्यूज, वो जो अभी देखना जब धुएं निकलेंगे जिनका तल्लुक ही नहीं होता स्पोर्ट्स से या एनालिसिस से, हम तो पूरी जिंदगी ये बेशर्मी और बेहयाई देखते आए हैं, लानत इनकी क्रिकेट पे, बेगारतों से ना चेज होता है, बेगारतों से ना डिफेंड होता है, ये क्रिकेट खेल रहे हैं बेगारत या बेहया बेशर्म। क्या बजा दिया, मैं बताता हूँ, पहले उन्होंने छनकना बजाया, फिर उन्होंने पकड़ के घंटा बजाया, फिर उन्होंने पकड़ के छोटे वाला घंटा बजाया, फिर उन्होंने बड़ा जो काम किया ना, उन्होंने आके बोबड़ी के अंदर जो है वो बाजा बजा दिया। पहले उनके बच्चों से हमने 170-180 रन खाए हैं, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, क्या कर रहा है बाबर आजम पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान टीम में, क्या परफॉर्मेंस है उसकी ICC वर्ल्ड में, क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, किसी बड़े बॉलर का गेस्ट क्या स्टैंड है बाबर आजम के। इस सी टीम से भी टीम जीते जो जेड टीम आई हुई हमारी, दो बातें करेंगे, आपको सबको पता है एक दिन कुछ ये लोग कहते हैं अगले दिन कुछ कहते हैं, ये सब आप लोगों से खेलते हैं। अभी मैच खत्म होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बेवकूफ बनाएगा, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा बेवकूफ बनाएगा।
इन सबको पता है, हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग बोले लोग हैं इनकी बातों में आ जाते हैं, हम जैसे लोग नहीं आते जो इस सिस्टम का हिस्सा रह चुके। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ, तीन तीन नौकरियां, पाकिस्तान टीम का हेड को बैटिंग कोच है, अंडर 19 का भी हेड कोच है, अंडर 19 सब कुछ इसके हाथ में, बैटिंग वैटिंग सब है, और ये बंदा जो है सिस्टम की बातें करता है। मुझे बैटिंग ऑर्डर समझ नहीं आया। उसामा मीर भी जो जब इन्होंने बास अफरीदी को भी भेजा, वो बड़ा क्रूशियल टाइम पे डिसीजन होता है। देखो अली, टेस्ट मैच में ना आपके पास ऐसा कैप्टन बहुत टाइम होता है, T20 में आपके पास टाइम नहीं होता है डिसीजन लेने का। यहाँ पे आपको मैं ये समझ रहा था कि आपको एक गैम्बल करना चाहिए था, उसामा मीर वगैरह किसी एक को ऊपर भेजना चाहिए था और अटैक करने के लिए। मेरे नजदीक जो ना, मुझे लगता है जो इस मैच का रियल कसूरवार है ना, मुझे लगता है वो इफ्तिखार अहमद है। इस स्पेसिफिक लेकर इस मैच की बात कर लो, मैं चाचा की बड़ी तारीफ करता हूँ, मैं चाचा के लिए बड़ा पॉजिटिव हूँ सीरीज में, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो फखर ने वो बेस बना दी थी। चाचा को यहाँ पे क्या करना था, चाचा को यहाँ पर 20 बॉलों पे एटलीस्ट 40 रन करने थे, 40 से 45 मैच करते, 30 भी करते, मैच में आ जाते 40 रन, 30 भी करते। इफ्तिखार यहाँ पर रियल कसूरवार है इस मैच। ललित सिंह जी क्रिकेट पे बेगैरत, और बनाए बाबर को कप्तान, हमारा कप्तान, हमारा प्राइड, हमारा चैंपियन, बाबर द किंग, बाबर द प्रिंग, बाबर द श्रिंग, ललित है तुम सब पे जिन्होंने इसको दोबारा कप्तान बनाया। कह रहा था मैं आपसे बार बार, इसको मत बनाए, इसको मत बनाए, पांच बालों में, चार बालों में पांच, वो भी एक चौका लगाया, और बेशर्मों की तरह क्या ब्रेसवेल का वो बनी बन जाता है, या नए बच्चे ने जिसका नाम भी मैंने जिंदगी में नहीं सुना, वो तीन आउट कर गया, ये क्रिकेट खेल रहे हैं। जो सेट बैट्समैन है वो 20-30 रन करके आउट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये 180 का स्कोर हुआ। ये कम से कम 250 की पिच है, हमें पता है कि यहाँ पे कितने रन हुए हैं ऐसी सर्फिस पे, ये आउटफील्ड बुलेट लाइक है, रन चेजिंग में एक टारगेट जो है 180 का बहुत ही आसान होता है, क्योंकि 180 का टारगेट चाहे पिच जैसी मर्जी हो एक अच्छी पार्टनरशिप की मार होती है। सो रन्स पाकिस्तान ने कम किए, और फिर वही बात है कि किसी ने लंबी इनिंग्स नहीं खेली है, और बॉलिंग में भी बहुत ही मीडियोकर परफॉर्मेंस। जब आप बुमराह को देखते हैं फॉर एग्जांपल, और हमारे सामने तो वो बहुत बड़ी एक एग्जांपल है ना, कि विकेट लेते हैं या अदरवाइज जब विकेट नहीं लेते हैं तो टाइट बॉलिंग करते हैं। ये नहीं हो सकता कि विकेट्स लेने के चक्कर में वो मार खाई जाए, और कुछ ऐसे ही पाकिस्तान के बॉलर्स का होता है कि ये इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं विकेट लेने के लिए कि फिर लाइन और लेंथ कुर्बान कर देते हैं, और जब चौका लगता है फिर वही बॉल ट्राई करते हैं, फिर एक और चौका लगता है, फिर प्रेशर क्रिएट होता है, तो फिर वो लाइन और लेंथ भी भूल जाते हैं, विकेट लेना भी भूल जाते हैं। तो जब हमने बैटिंग शुरू की है हम माशाल्लाह ऊपर चढ़ा देते थे और हम कैच होते रहे, माशाल्लाह ऊपर चढ़ा देते थे और हम कैच होते रहे। पाकिस्तानी मीडिया की मुकम्मल वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, जिसमें पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर बहुत ज्यादा गुस्सा है, जिसमें तनवीर अहमद और रमीज राजा बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई है कि पाकिस्तान कैसे बच्चों से हार जाते हैं, और उसमें मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम और फखर जमान जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल होती है, इमाद वसीम और फखर जमान जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल होती है।